नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। तो जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, खासकर पाकिस्तानी फैंस, वो घड़ी आ ही गई। बाबर आजम ने विराट कोहली के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। विराट कोहली के सबसे तेज 2000 T20 रनों का रिकॉर्ड बाबर आजम ने तोड़ दिया है। अब बाबर आजम ने इस रिकॉर्ड पर अपना कब्जा जमा लिया है। बाबर आजम ने मात्र 52 पारियों में ही ये मुकाम हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 2000 रनों का आंकड़ा पार करने के लिए 56 T20 पारियों का सहारा लिया था, लेकिन पाकिस्तान के चैंपियन बल्लेबाज ने महज 52 पारियों में ही इतिहास रच दिया। बाबर आजम ने चौका लगाते ही अपने T20 करियर के 2000 रन पूरे कर लिए। बाबर आजम को इस मुकाबले से पहले मात्र 17 रन बनाने की ज़रूरत थी। बाबर के 51 पारियों में कुल 1983 रन ही थे, लिहाजा किंग बाबर आजम ने 17 रन बनाते ही विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, बाबर आजम धीरे धीरे कोहली के हर रिकॉर्ड को ध्वस्त कर रहे हैं। अब तक बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 पारियों में 70 की औसत से 278 रन बनाए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों में 66 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 157 रन, न्यूजीलैंड के खिलाफ 235 रन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज़्यादा 410 रन, जबकि श्रीलंका के खिलाफ 6 पारियों में 79 रन और वेस्टइंडीज के खिलाफ 403 रन। जो लोग कहते हैं कि बाबर आजम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ इतने रन बनाए हैं, तो जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 T20 पारियों में बाबर आजम ने 193 रन ही बनाए हैं। ये आंकड़े बाबर आजम के 2000 रनों तक का है। तो बाबर ने सभी देशों के खिलाफ रन बनाए हैं और सबसे ख़राब रिकॉर्ड इस चैंपियन बल्लेबाज का श्रीलंका के खिलाफ है। जी हाँ, मात्र 79 रन बाबर आजम ने इस देश के खिलाफ बनाए हैं। इस मुकाबले से पहले बाबर आजम के कुल 17 अर्धशतक और 1 शतक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में थे। गौर हो, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।